वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे घनश्याम, वो तो सकुल गए हैं। सकुल गया है? अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम लहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हर कुवा, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है कृषि वानिकी से किसी आर्थिक समृद्धि एवं पर्यावरण की रक्षा। किसान भाई, आप में जाना था कि आज हरे 5 जून, अभी विशेषज्ञ मन बताही बोला ध्यान से सुन और बोला गुण, और अगर हम पर्यावरण के रक्षा नहीं करबो तो ये पर्यावरण है जही जल और भून। तो संगवारी, अपन पूरा समझ गए हो कि वानिकी का हरे, कृषि वानिकी का हरे, जैसे किसान भाई मन है खेती करे और खेती करे तो उन्हें पेड़ रहा है, उन्हें मतलब अन्न मिल जाए और इमारती लकड़ी मिल जाए, यही कृषि वानिकी यानी पर्यावरण की रक्षा हुआ है। और ये विषय में हमारे जो आज विशेषज्ञ है शिरीष चंद्र अग्रवाल जी, विषय विशेषज्ञ राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड आयुष मंत्रालय भारत सरकार, आप मन पूर्व में मुख्य प्रधान वन संरक्षक छत्तीसगढ़ शासन घलो रहे हो और आप पूर्व में CEO वन औषधि पादप बोर्ड छत्तीसगढ़, और संगे संग हमारे जो अविशेषज्ञ है डॉक्टर CP रहंगडाले जी, कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मैनपाट सरगुजा, आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो किसान भाई हो, अभी चर्चा लागे जारी रखबो, लेकिन बढ़िया से एक ठन ओकर ऊपर फिल्म बने हैं जो उन्हें कृषि वानिकी और पर्यावरण के बारे में बताते, ओहूला देखथन सुनथन और ओकरों से सीखथन। वृक्ष हैं धरती का श्रृंगार, नदियों की मीठी मनुहार, स्वच्छ हवा सांसों में हो तो जीवन है अनुपम उपहार, और ये उपहार हमें देता है पर्यावरण, जिसमें शामिल है सूरज की रोशनी, हवा, पानी, जंगल, जमीन और हमारे आसपास का वातावरण। पर्यावरण जब मानव को इतना कुछ देता है तो उसे संवारने की जिम्मेदारी भी मानव की ही है, इसलिए ज़रूरी है वृक्षों को कटने से बचाया जाए, बचाई जाए धरती की उर्वरा शक्ति और जल को बचाया जाए प्रदूषित होने से। पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में बड़ी भूमिका किसानों की भी है। किसान उगाते हैं फसलें, किसान उगाते हैं पेड़, तरह तरह के फलदार पेड़, तरह तरह के साग और सब्जियां, और धरती न्योछावर कर देती है अपना स्नेह माटी पुत्र किसान पर।
खाद्यान्न की पूर्ति करने वाला किसान अपनी मेहनत और लगन से पैदा करता है खाद्यान्न और उसके बाद फिर जुट जाता है एक फसल के बाद दूसरी फसल और फल और सब्जियों की खेती में और चलता रहता है ये चक्र निरंतर। पिछले कुछ समय से बढ़ रहा है पर्यावरण प्रदूषण। ओजोन परत में छिद्र होने से अल्ट्रावायलेट किरणें अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। इसीलिए धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। वे जंगल जो मिट्टी के कटाव को रोकते थे, शीतल छाया प्रदान करते थे, जहां पशु पक्षी निर्भीक होकर रहा करते थे, आज कटते हुए जंगल वो धरती जो अन्न उपजाती थी उर्वरकों के अधिक प्रयोग से धीरे धीरे खत्म हो रही है उसकी उर्वरा शक्ति। नदियों के पानी में घुल रहे अपशिष्ट पदार्थ प्रदूषित कर रहे हैं नदियों का जल। इस धरा को हरा भरा बनाना और जल जमीन जंगल को बचाना हर एक मानव का कर्तव्य है। अगर करते हैं इस धरा से प्यार तो लगाइए वृक्ष बारंबार। वृक्ष ही एकमात्र स्रोत हैं जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसलिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाए जाएं। खाली पड़ी जमीन पर, सड़क या रेलवे ट्रैक के किनारे, खेतों की मेड़ या नहर के किनारे ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ होगा और हवा शुद्ध। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बढ़ेगी उत्पादन क्षमता। धरती की है यही पुकार, हरा भरा हो उसका संसार। पर्यावरण को बचाने में फलदार वृक्षों का भी बड़ा योगदान है, इसलिए किसान आम, कटहल, नाशपाती, अमरूद के साथ ही साथ नीम, पपीता, संतरा जैसे फलों के पेड़ अधिक से अधिक लगाएं तो बेहतर होता है। आम, नीम और पीपल जैसे पेड़ सहायक हैं वायु प्रदूषण को रोकने में। बहती रहेगी शुद्ध हवा तो बचा रहेगा जीवन भी, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस पर लें संकल्प कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे, पर्यावरण को हरा भरा बनाएंगे, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। किसान भाई हो, चर्चा लागे जारी रखबो, लेकिन अगर आप मन के मन में कोनो प्रश्न है तो हमार टोल फ्री नंबर ला आप मन हा नोट कर लो और अपन प्रश्न करो। हमार टोल फ्री नंबर हवा 1800-233-9418। एक बार सुन लो संगवारी हो, 1800-233-9418। तो ये हमार टोल फ्री नंबर में आप मन प्रश्न करो संगवारी हो। तो डॉक्टर साहब आप मन के फिर एक बार स्वागत है। और अग्रवाल जी, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहबो कि जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़त है, गर्मी बढ़त है, और जैसे हमन की था ना, जल है तो कल है, वन है तो जीवन है, यानी वन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पेड़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पेड़ है तो वर्षा है, और वर्षा है तो जीवन है, वन है यानी बिल्कुल एक चैन चलत है। तो एकर बारे में आप बताते हो कि कतेक जरूरी है आजकल वन के होना, पेड़ के होना। सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का आह्वान मैं करता हूं कि अधिक से अधिक वृक्ष या कार्बन को उपयोग करके उसको शुद्ध ऑक्सीजन में परिवर्तित करने वाले जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सब का संरक्षण करें। वन या वृक्ष और मानव या अन्य जितने भी जीवित पशु पक्षी हैं, वो इनका आपस में एक बड़ा सामंजस्यपूर्ण रिश्ता है। जितने भी जीवित प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, और वृक्ष इसके ठीक उलट कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और उसको अपने भोजन पदार्थ में परिवर्तित करके अपने स्वयं के लिए और समस्त जीव जगत के लिए वो भोजन की सामग्री और बहुमूल्य संपदा जैसे कि जड़ी बूटी, आकाष्ठीय वनोपज आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान का एक चक्र पूरा करने में जितना मनुष्य या जीव जंतु उपयोगी हैं
उतना ही वृक्ष भी मानव जीवन में इस प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में बहुत उपयोगी है। जी, बहुत बढ़िया बात अभी अग्रवाल जी आप बतावत रहे हो। तो हम जानना चाहबो कि कृषि वानिकी कार्य, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहबो कृषि वानिकी कार्य और जैसे पर्यावरण, हाँ पर्यावरण आज असंतुलित हुआ थे, वो संतुलन बनाए बर कृषि वानिकी हक कतेक जरूरी हवा है। सभी लोगों को नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज का जो परिवेश है, हम देख रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो दिन ब दिन जो है असंतुलित होते जा रहा है जी। उसमें जो है प्रदूषण की समस्या बढ़ती हुई जा रही है, तो जिसके कारण जैसे हम देखते हैं कि भाई असामयिक वर्षा होना जी, या आपका ओलावृष्टि होना या आंधी तूफान आना जी, तो ऐसी जो विपरीत परिस्थितियां होती है जी, ऐसी परिस्थितियों में हमको ऐसी कृषि तकनीक या कृषि प्रणाली अपनाना होगा जिनमें ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ में उत्पादन तो मिले जी, लेकिन हम अपने पर्यावरण को जो है सुरक्षित कर सकें। बिल्कुल। तो ऐसे में एक कृषि वानिकी को हम ऐसे समझ सकते हैं, कृषि वानिकी भूमि उपयोग की वह पद्धति है जिसमें एक ही स्थान पर एक ही समय पर जी कृषि फसलों के साथ साथ बहुवर्षीय वृक्षों को एवं पशु होते हैं उनको जो है समावेश करते हैं जी जी जी, जिससे क्या होता है कि हमारी खाद्यान्न की तो जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होती है, उसके साथ में जैसे सर ने बताया कि भाई इमारती लकड़ी या काष्ठी लकड़ी की हमें आवश्यकता होती है, जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता होती है, हमें फल फूल की आवश्यकता होती है, पशुओं के लिए जो हरा चारा की आवश्यकता होती है, ये जितने भी आवश्यकता है उसके माध्यम से कृषि वानिकी के माध्यम से हम उसको पूरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है पर्यावरण को संतुलित बनाने में कृषि वानिकी एक अहम भूमिका आज के परिवेश में निभा सकती है। जी जी, बहुत बढ़िया बात आप बताओ। जैसे हमारे किसान भाई मन हाँ खेती करते, वही मेर लकड़ी रही थे ओमा ओला छाया मिलते, इमारती लकड़ी मिलते और पर्यावरण शुद्ध गला होते और चारा भी मिलते। बहुत अच्छा बात आप बताए डॉक्टर साहब। हम हाँ अग्रवाल जी आपसे जानना चाहबो कि हर आदमी के कतेक जिम्मेदारी होते कि वो हा पर्यावरण संरक्षण में अपन योगदान देवाए, कतेक जरूरी है बोला, कतेक योगदान देना चाहिए पर्यावरण बचाए बर। देखिए, पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र एक शब्द है जी, जिसमें प्रत्येक जीव जंतु, वायुमंडल के समस्त अवयव जी, जल वायु मिट्टी सब शामिल हैं, और किसी भी प्रकृति में पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव जंतु का, चाहे वो वृक्ष भी हो या मानव या मनुष्य, या मनुष्य है या कोई भी जंतु है, सभी का बराबर का दायित्व है और सभी का बराबर का योगदान भी होता है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि मनुष्य अपनी प्रगति के लिए, औद्योगिकरण के लिए, दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं में अधिक से अधिक तकनीकी के उपयोग के लिए पर्यावरण के साथ कभी कभी अधिक ज़्यादा खिलवाड़ कर जाने की वजह से जो पर्यावरण का असंतुलन होता है, चाहे वो वायुमंडल में प्रदूषण हो, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे मिट्टी की उर्वरता में कमी हो, तो इन सब के लिए आप ये देखिए कि बड़ा आश्चर्यजनक है कि प्रकृति में जितने भी अन्य जीव जंतु हैं वो तो अपना अपना योगदान देते हैं बिल्कुल, लेकिन मनुष्य कहीं कहीं इसमें शायद कुछ कमी छोड़ देता है, जिसकी वजह से आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक जीवित व्यक्ति, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर एक का दायित्व है, और कभी कभी बड़ा संतोष भी होता है कि हम अपने दायित्व को पहले की अपेक्षा ज़्यादा समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो मैं कहूँगा, मैं करीब 38 साल के मेरे अपने सेवाकाल में मैंने देखा जी, कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से, पर्यावरण में संतुलन के विभिन्न प्रकार के योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से और राज्यों की तुलना में काफ़ी बेहतर प्रयास कर रहा है, और कृषि वानिकी के विभिन्न जो जो फार्मूले हैं या विभिन्न जो उसके समीकरण हैं उनके क्रियान्वयन में परंपरागत रूप से काफ़ी कुछ करता रहा है जी, जैसे कि बबूल की खेती, बबूल के वृक्ष पेड़ पर लगाना,
कहीं कहीं पे सिरस के वृक्ष मेड़ पर लगाना, कहीं पे सीसू के पौधे पेड़ मेड़ पर लगाना, नीम के पौधे लगाना, ये अन्य राज्यों में थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिला जितने मैंने देखे हैं। छत्तीसगढ़ तो परंपरागत रूप से काफ़ी इसका पक्षधर रहा है। जी जी, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आप मन बतावत रहे हो कि सियान मन पहले कहा करे कि एक पेड़ जरूर लगावे, वो मन हाँ एक पेड़ लगावे, बर लगावे, पीपर लगावे, कुछ नहीं तो तरियम लगा दे, मतलब अपन योगदान देवे, जैसे आप मन कहते रहे हो। तो डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहबो कि कृषि वानिकी के लाभ का है, लेकिन ओकर ले पहली हमारा फोन कॉलर जुड़े हुए है, तो ओकर से हम जानना चाहबो। हेलो, हाँ नमस्कार भैया। जी जी भगत भैया, अपन प्रश्न करो। मैं जानना चाहता हूँ कृषि करना, खेती बाड़ी करना, हाँ हाँ जी, तो हम फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं, जिससे हम लोग फल भी मिले, खाते में फल, और साथ में पर्यावरण भी बने रहे। जी तो हम उपयोग करना लगाना है इसके बारे में। जी जी बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके। तो कहा कि बड़े बड़े मेड़ होते तो फलदार वृक्ष लगावन, तो कौन सा लगावन ऐसे कहा थे? आपके खेत में मुख्यतः धान की खेती लेते हैं या किस फसल के उपयोग, किस फसल की खेती करते हैं आप? कौन से फसल के खेती करते हो? का लगा था आप धान चना? तो कोई बात नहीं, वो कट गए होकर फोन है, तो आप ही बता दो कि वो कौन से है लगा। देखिए जैसा मैंने अभी बताया, छत्तीसगढ़ प्रदेश में खेत की कृषि की भूमि पर विशेष रूप से धान की जो खेत है उसकी मेड़ों पर सीसु, सिरस, कहीं कहीं पर बांस भी मैंने देखा, यद्यपि कम देखा, लेकिन बांस और आपका खमार जी, और नीम जी, नीलगिरी, ये सब वृक्ष लगाने की परंपरा रही है। कई जगह पे वृक्ष फलदार वृक्ष भी लगाते हैं, आम अमरूद वगैरह। अब ये निर्भर करता है कि किसान भाई के हमारे कितना भूमि है उनके पास, कितना बड़ा खेती का चक है, और उसमें स्वयं के उपयोग के लिए वो लगाना चाहते हैं या बिक्री के लिए लगाना चाहते हैं। क्योंकि अगर बड़ा चक है 25-50 एकड़ का है तो निश्चित रूप से एक व्यवस्थित ढंग से उनको सोच के लगाना पड़ेगा, जिसमें नींबू भी हो सकता है, अमरूद हो सकता है, आम हो सकता है, फलदार वृक्ष बहुत सारे हो सकते हैं, बशर्ते कि उसकी छाया जो कृषि भूमि है उस पर अधिक उसको नुकसान ना करे। तो सामंजस्य बनाने की आवश्यकता है, और यदि छोटा चक है स्वयं के उपयोग के लिए करना है तो मैं कहूँगा एक दो दो वृक्ष सभी प्रजातियों के लगा लीजिए, कभी पपीता मिले, कभी केला मिले, कभी अमरूद मिले, आम मिले। जी 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 बढ़िया बात अभी बताते रहे अग्रवाल जी आप। तो किसान भाई हो, चर्चा लागे जारी रखबो, लेकिन लेथन एक ठन ब्रेक। किसान भाई हो कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहबो कि कृषि वानिकी के लाभ कौन कौन से हवे, का लाभ हवे? वैसे तो कृषि वानिकी के बहुत सारे लाभ हैं, जिनको हम अगर समझना चाहें तो प्रत्यक्ष लाभ हमको कौन कौन से मिलते हैं और अप्रत्यक्ष लाभ हमको कौन कौन से मिलते हैं। हम दो तरीके से जो है कृषि वानिकी के लाभों को के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कृषि वानिकी से हमको जो प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं, क्योंकि हमको डायरेक्टली जो है उत्पाद के रूप में मिलते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई कृषि वानी में खाद्यान्न फसलों के साथ में हम वृक्षों का भी रोपण करते हैं, तो हमको जो है खाद्यान्न की आवश्यकता की जो पूर्ति है वो भी होती है। इसके साथ साथ में हमको इमारती लकड़ी मिलती है, जलाऊ लकड़ी मिलती है, फल फूल रेशा गोंद लाख इत्यादि जो आपके फॉरेस्ट के जो उत्पाद होते हैं, लघु अनुपज जिनको बोलते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और किसान भाई जो है इस तरह की पद्धति से जो है अच्छा आय अर्जित कर सकते हैं और इसको जो है जीविका उपार्जन का एक अच्छा माध्यम बना सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो उद्योग धंधे होते हैं वो कृषि वानिकी के जो उत्पाद होते हैं उन पर निर्भर होता है। तो कृषि वानिकी से जो है कि हम
कच्चे जो माल होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि कागज़ उद्योग जो है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई बांस का हो गया या लिप्टस का हो गया या आपका पापलस या जो नीलगे सुबबुल होता है, इस तरह के पौधे हैं जो कि हम कागज़ उद्योग के लिए जो है मतलब उसकी पूर्ति करते हैं। इसके अलावा देखते हैं छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है बहुत जो है वनों की जो है विविधता देखने को मिलती है। तो यहाँ पे पत्तल एक उद्योग होता है जो छोटे स्तर पे अगर किसान भाई अगर चालू करना चाहते हैं तो पत्तल उद्योग के लिए जैसे कि आपका पलाश का हो गया या महुआ का पेड़ हो गया, जो कि आपके आमतौर पर हम देखते हैं कि किसानों के खेतों में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो पत्तल बनाने का उद्योग चालू कर सकते हैं जी। ऐसे बहुत सारे उद्योग जैसे आपका औषधि निर्माण का उद्योग हो गया जिसमें हम देखते हैं कि आंवला, हर्रा, बेहरा हो गया, बेल हो गया, नीम हो गया, इस तरह के जो वृक्ष होते हैं इनसे जो है हम औषधि जो तैयार होती हैं उनके लिए जो है कच्चा माल के रूप में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लाईवुड जो है वनों से जो लकड़ी मिलती है उन्हीं से तैयार करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्लाईवुड के लिए पॉपुलर्स का हो गया या फिर आपका मालावार नीम जो होता है उसका उपयोग जो है प्लाईवुड इंडस्ट्री में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं माचिस, जो माचिस की जो लकड़ी बनती है उसके लिए सेमल वगैरह का जो है या पॉपुलस वगैरह की जो लकड़ी होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो ये छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं उनके लिए जो है कृषि वानिकी से जो है हम कच्चे उत्पाद की जो है पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो ग्रामीण स्तर पर क्या होता है कि जो दैनिक आवश्यकता की चीज़ें होती है किसानों के लिए, जैसे इमारती लकड़ी या जलाऊ लकड़ी या उनके पशुओं के लिए चारा जी, ये जो होते हैं ये डायरेक्टली किसान को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो किसान जो है कृषि वानिकी में लाख की खेती कर सकता है जी जी। इसके अलावा आपका मधुमक्खी पालन कर सकता है, रेशम पालन कर सकता है, जिनको अपना कर जो है अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। ये तो हम बात करते प्रत्यक्ष लाभ जी। अप्रत्यक्ष लाभ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो परिवेश है, आज का जो समय है जिसमें हम देखते हैं कि पर्यावरण असंतुलन, जैसे कि सर ने बताया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की जो बड़ी समस्या है, असामयिक जो है वर्षा होती है, मौसम और जलवायु में जो है बड़ा एकदम मतलब उसके जो है दुष्परिणाम जो है हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में कृषि वानिकी क्या करता है, कृषि वानिकी में जैसे कि हम जानते हैं कि कृषि वानिकी में जो है वृक्षों का समावेश होता है, तो जो वृक्ष होते हैं वे जो सूक्ष्म जलवायु होता है, मतलब जहाँ पे क्या होता है कि हम फसलों को भी लगाते हैं और आपका वृक्षों को भी लगाते हैं, तो जो सूक्ष्म जलवायु है उसमें सुधार करते हैं वृक्ष, जिससे कि आपके जो खाद्यान्न फसलें हैं उसके उत्पादन में वृद्धि होती है और उनको जो है उनके अनुकूल जो है वातावरण मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारने में जो है कृषि वानिकी की जो है बड़ी अति अच्छी आवश्यकता होती है जी। हाँ, बहुत बढ़िया बात डॉक्टर साहब आप मन बतावत रहे हो। अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहबो कि जिसे उद्योग लगाए बर बहुत अकन पेड़ ल काटेगी, पर्यावरण ल पेड़ जो प्रदूषण ल रोके वो पेड़ ल काटेगी, तो ऐसे हुए कि उद्योग घलो रहा है और वन के साथ साथ खेती घला हो जाए, ऐसे का करना चाहिए हमारे किसान भाई मन ला उद्योग वाली मन ला? देखिए, विगत कुछ वर्षों से प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य की औद्योगिक नीति में भी इस बात को ध्यान में रखा गया है जी। और जो भी उद्योग स्थापित होते हैं जी, जिनमें कुछ संख्या में वृक्ष काटने की आवश्यकता होती है या वृक्ष काटे की काटने की आवश्यकता ना भी हो, तभी प्रत्येक उद्योग में ये व्यवस्था का की गई है कि वो कुछ प्रतिशत क्षेत्र में अपने अपनी भूमि पर या अपने उद्योग इकाई के बाहर के भूमि पर, पड़त भूमि पर वृक्षारोपण के लिए वित्तीय प्रावधान भी करें, तकनीकी प्रावधान भी करें और अपनी स्वयं की भूमि पर भी लगाएं। खासतौर से वन आधारित जितने भी उद्योग हैं उसमें तो इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि औद्योगिक इकाई अपने स्वयं की भूमि पर और आसपास के किसानों को संगठित करके बड़े स्तर पर इस प्रकार से वृक्षारोपण करें कि जो वृक्षों का कटाई हुई है उसकी पूर्ति कमोबेश वृक्षारोपण से प्राप्त काष्ठ से और उससे की जा सके। अभी अभी जांजगीर ज़िले में चापा में दो दिन पहले मैं देख करके आया, किसानों ने संगठित रूप से बड़े वृहद स्तर पर एक महोगनी की खेती, महोगनी का प्लांटेशन का कार्य हाथ में लिया है और उसके आधारित वो उद्योग को संगठित रूप से करना चाहते हैं। तो काफ़ी जागरूकता आई है और इसीलिए हमारे जो वृक्ष आवरण है उसमें कोई बहुत
कोई ऐसा चिंताजनक, कम से कम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ, चिंताजनक अभी कटौती नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमें सदैव जागरूक होना रहेगा और अपनी औद्योगिक नीति में इस बात को सर्वोपरि रखना होगा। जी बहुत बढ़िया बात आप बताए अग्रवाल जी, और बहुत कम समय में आप विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाई मन ला देव। और संगे संग डॉक्टर साहब, आप कृषि वानिकी के बहुत बारीक बात ला हमारे किसान भाई मन ला आप बताए, और आप मन दोनों झनाए और समय देव, एक लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, अभी हम देखत रहें कृषि वानिकी पर्यावरण विश्व पर्यावरण के बेरा है, और कैसे हम पर्यावरण जो असंतुलन हुआ था संतुलन बनाए पर पेड़ लगाए पड़ी, पेड़ ला कम काटना है, काटना ही नहीं है बल्कि, तो एकर सेती आप मन पेड़ लगाओ और पर्यावरण संतुलन बना के रखाओ। आज बस अतकेच, अवैया बेरा में फिर बढ़िया जानकारी देके आप मन के सामने हो वो उपस्थित। दो विदा, राम राम।